गाइस जो मेरा सेकंड पेमेंट है अब मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्या रीजन है, सब कुछ स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का ध्यान से आप पूरा देखिएगा, आपके साथ ये गलती हो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो चलिए गाइस मैं आपको जो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस जो मेरा सेकंड पेमेंट था हमारा 21 जून को यहाँ पर रिलीज हो गया था $121। सो गाइस 121 डॉलर में 21 जून को रिलीज हो गया था। लेकिन हमारा जैसे कि जो पेमेंट रिलीज हो जाता है उसके 2-3 दिन बाद आ जाता है पेमेंट, 24 घंटे के अंदर आ जाता है। तो बहुत टाइम लगता है कि हमारा 27-28 तारीख को आ जाता है। लेकिन गाइस हमारा 21 जून को यहाँ पर रिलीज हुआ था और यहाँ पर आज हो गया हमारा 15 जुलाई, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या क्या हुआ चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा पेमेंट जैसे रिलीज हो गया, किस तारीख को मैंने वेट किया, नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि लाओ इस महीने जैसे 30 तारीख को वेट कर लूँ, फिर भी नहीं आया। फिर मैंने गया बैंक पर, जो मेरे यहाँ पर जहाँ मैंने बैंक खुलवाया था वहाँ पर गया। उन्होंने बोला कि जैसे कि इंटरनेशनल मनी आने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन वेट कर लीजिए। इस तरीके 2-3 दिन यहाँ पर मैं गया बैंक पर, उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया और बोले आपका शायद मिनी वाला इसलिए नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, नहीं आया। फिर मैंने यहाँ पर जैसे कि यूट्यूब टीम से गया बात करने, गए यूट्यूब से बात किया तो उन्होंने बोला कि जैसे कि आपका पेमेंट रिलीज हो गया है लेकिन आपका जैसे बैंक अकाउंट में नहीं गया, वही बताएं, चेक करके बताएं। तो मैंने क्या सर इसका सलूशन क्या है, उन्होंने लाइव चैट चल रहा था तो उन्होंने बताया कि आपका 15 दिन हो गया है जैसे पेमेंट रिलीज हुई है, किस तारीख से 15 दिन जैसे बीत गया है। तो आपको ट्रूवर शूटर फार्म में बताया कि आप उस फार्म को भर देते हैं तो आपको कुछ दिन बाद यहाँ पर एक शिफ्ट यूटीआर कोड होता है, वही आता है। उससे क्या होता है, शिफ्ट यूटीआर कोड से आपका जैसे पता चल जाएगा कि स्टेटस पता चलता है कि आप पैसा आपका जैसे कितना आया है, कहाँ फंसा है, जैसे उससे पता चल जाएगा कि मेरा जैसे पैसा कहाँ पर है। स्विफ्ट यूटीआर कोड जब वहाँ पर गूगल एडसेंस वाले भेजेंगे, मैं जो यूट्यूब टीम से मैंने बात किया था ट्रूवर शॉर्ट का लिंक दिए थे, मैं भरा था तो मैंने भर दिया। देखिए लेकिन 2-3 दिन हो गए अभी तक नहीं आया, वहाँ पर 48 घंटा का टाइम दिया था। और गैस मैं गया था जो SBI का मेन ब्रांच है गोरखपुर, यहाँ पर मैं साइड में आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर गया था, जैसे गया बैंक मैनेजर था, मैंने उसके पास गया जो SBI का मेन ब्रांच वहाँ है गोरखपुर का। मैंने गया बैंक मैनेजर, कहा सर मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरा यूट्यूब पैसा आता है, हमारा पेमेंट रिलीज हो गया लेकिन अभी तक नहीं आए। वो बोल रहे हैं जाइए आप जहाँ अकाउंट खुलवाइए वहाँ पर, जैसे कि आप हम हेल्प मांगे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। गैस बताइए जब जब आप SBI का जो मेन ब्रांच है गोरखपुर आप नहीं हेल्प करेंगे तो ये कैसे कर पाएगा। तो मैंने आशा ही छोड़ दिया, मेरा सेकंड पेमेंट नहीं आएगा, डूब गया समझे 121 डॉलर, अराउंड शायद 9000 होगा गाइस, इतना मेरा समझे डूब ही गया। और मेरा सेकंड पेमेंट जैसे डूब ही गया, थर्ड पेमेंट हमारा फिर से 21 जुलाई को रिलीज होने वाला है। तो गाइस अब मैंने क्या कर दिया है, अब मैंने जो बैंक था मेरा पहले SBI वाला उसको हटा करके मैंने अब दूसरा बैंक ऐड कर दिया है। तो मेरा जैसे कि 21 जुलाई को हमारा पेमेंट रिलीज होगा, थर्ड पेमेंट जो मेरा यूट्यूब का थर्ड पेमेंट है 21 जुलाई को रिलीज होगा। देखिए कब तक वो भी आता है कि नहीं, अगर मेरा थर्ड पेमेंट आ जाता है मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा गाइस। और मेरा सेकंड पेमेंट यार डूब गया, जाने दीजिए डूब गया यार, उसी को लेकर के अब जैसे कुछ जैसे मैं यूट्यूब को छोड़ नहीं सकता हूँ। और गाइस मैं क्या किया, अब सेकंड पेमेंट के लिए मैंने अपना जो बैंक अकाउंट था दूसरा ऐड कर दिया, देखते हैं आता कि नहीं। गाइस अगर आ जाता है मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा। और दुख तो होगा यार, 121 डॉलर था 9000, और हम लोग 100 डॉलर कंप्लीट करने में यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप यूट्यूब क्रिएटर जानते होंगे। तो गाइस आप एक गलती मत करना और इससे मिनी अकाउंट मत ऐड करना, शायद मेरा मिनी इसलिए नहीं आ रहा, क्या है अब पता ही चलेगा। तो मैं अब दूसरा ऐड कर दिया हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। सो गाइस वीडियो का इंफॉर्मेशन जैसे इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आप सभी को यूट्यूब से रिलेटेड टिप एंड ट्रिक्स वाले वीडियो आपको देता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड।